विधानसभा के विशेष सत्र में आज अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण विधेयक 2019 को स्वीकार किया गया। लोकसभा ने 25 जनवरी 2020 से समाप्त हो रहे इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसे प्रदेश विधानसभा ने स्वीकार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष विधानसभा में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सदन में सबसे अधिक कामकाज हुआ, इसके लिए सदन के सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने इंफ्रा और पाइपलाइन परियोजनाओं में अगले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को साल 2025 तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30% करनी चाहिए। वायुसेना को जहां नया सेना अध्यक्ष मिला, वहीं दूसरी ओर देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। जनरल रावत ने सेना प्रमुख पद से रिटायरमेंट होने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल रावत के सेना प्रमुख पद से रिटायर होते ही जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 28वीं सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। जनरल नरवाने सितंबर में सेना उपप्रमुख बनने से पहले सेना के ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीतापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में रुद्राव्रत, कालीपीठ, मां ललिता देवी मंदिर, चक्रतीर्थ, हनुमानगढ़ी और व्यास के जाकर इन सभी धार्मिक स्थलों पर पूजन अर्चन किया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने हरदोई में कहा कि नागरिक संशोधन कानून के लिए विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाकर आपस में भाईचारा खत्म करने का प्रयास किया है। समाज में विशेषकर मुस्लिम समुदाय को विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं। जौनपुर में HBNC कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाली 70 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करने की जिलाधिकारी ने शासन से संस्तुति की है। जिलाधिकारी को शिकायत मिली कि 90 आशा कार्यकर्ता गृह आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम में लापरवाही बरत रही हैं। कन्नौज के सौरिक विकास खंड के कुष्ठ रोग से पीड़ित मुन्नी देवी और अजय सिंह के पास कुष्ठ रोग ठीक कराने के लिए पैसे नहीं था, लेकिन सरकार की योजना ने उनका न केवल कुष्ठ रोग का मुफ्त इलाज कराया, साथ ही रहने का पक्का आवास भी दिया। IIT कानपुर का नेचुरोपैथी एवं योग केंद्र प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान को बढ़ाने में सार्थक पहल कर रहा है। इस योग केंद्र में शिक्षक, छात्र और बुजुर्ग भारी तादाद में अपने को फिट रखने के लिए नियमित योग करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के कई स्थानों पर पारे में गिरावट ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 10 डिग्री नीचे लुढ़क गया। बुंदेलखंड, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के सभी जिले ठंड से प्रभावित हैं। एटा में सर्द मौसम के चलते न्यूनतम पारा गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिसके कारण गलन भरी ठंड पड़ रही है। जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने बस स्टैंड, रन बसेरा और अलावों का औचक निरीक्षण किया। वाराणसी में 56 साल में सबसे ठंडा दिन रहा। 31 दिसंबर 1962 को वाराणसी का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा था। उसी प्रकार वाराणसी में सोमवार को न्यूनतम पारा 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगरा में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। सर्दी के कारण लोग घरों में कैद होने को भी मजबूर हो रहे हैं। भीषण कोहरे और ठंड के कारण ताज का दीदार करने के लिए आगरा आने वाले पर्यटकों में भी कमी दर्ज की गई है। बहराइच में लगातार छाए कोहरे एवं पछुआ हवाओं से बढ़ी गलन के चलते ही हो रही है शीतलहर से लोग ठिठुर रहे हैं। जनपद में पारा लुढ़क कर 2 डिग्री पहुंच चुका है, जिससे ठंडक बढ़ गई है और लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।